अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं घड़ी घड़ी खमासान, खबरों का तूफान। जोशीमठ की बात करते हैं। जोशीमठ में दरारों ने ऐसी दहशत मचाई है कि पूरा देश हिल गया। अब उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक दरारों को पाटने और हालात को संभालने की कवायद लगातार जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को जोशीमठ के मौजूदा हालात की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने जोशीमठ में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी दी। इसके साथ ही लोगों का पुनर्वास किस तरह से होना है इसकी भी जानकारी दी। राहत कार्य के लिए खर्च होने वाले बजट के बारे में भी जानकारी दी गई। लोगों के लिए अभी जो काम वहाँ पर उत्तराखंड की सरकार कर रही है, नए जगहों की जो तलाश कर रही है, उन सभी की जानकारी आज मैंने उनको विस्तार से दी है। जोशीमठ के हालात पर पीएमओ भी गहनता से नजर बनाए हुए हैं। हर पल की जानकारी प्रधानमंत्री खुद ले रहे हैं। जोशीमठ को बचाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से जो किया जा सकता है वो कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी हर बात की खबर ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। दरअसल जोशीमठ में हालात अभी भी भयावह बने हुए हैं। पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में दरार आने की वजह से उसे गिराने की तैयारी हो रही है। डीएम ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत भवन को फौरन गिराने का आदेश दे दिया है। जोशीमठ में अभी तक 849 घरों में दरारें आई हैं, जबकि 250 घरों से लोगों को शिफ्ट किया गया है। वही बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत कर रहे जेपी नड्डा वाराणसी आ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि 2024 के चुनाव का शंखनाद जेपी नड्डा गाजीपुर से कर सकते हैं। यह है गाजीपुर का पवहारी बाबा आश्रम, जहां 20 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे। नड्डा का गाजीपुर दौरा लोकसभा चुनाव को देखते हुए बेहद अहम माना जा रहा है। जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन से लेकर मंदिर प्रबंधन तक पुख्ता तैयारी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गाजीपुर आगमन हो रहा है और वह लोकसभा प्रवास के लिए गाजीपुर में आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि अपने लोकसभा प्रवास के कार्यक्रम का शुभारंभ जेपी नड्डा इसी आश्रम से पवहारी बाबा का दर्शन पूजन करने के बाद करेंगे। पवहारी आश्रम में दर्शन पूजन के बाद जेपी नड्डा बूथ अध्यक्षों के साथ संवाद भी करेंगे। तो स्थानीय कार्यकर्ता होने के लिए हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे। मान्यता है कि इसी पवहारी बाबा के आश्रम पर स्वामी विवेकानंद ने 2 महीने तक इंतजार किया था, तब जाकर पवहारी बाबा से उनका संवाद हो पाया था और उसी के बाद विवेकानंद शिकागो की यात्रा पर गए थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ और उनके अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन पर एक साथ कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे ये भारत के दिग्गज पहलवान, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और बल से देश का नाम रोशन किया, लेकिन अब इन्हीं भारतीय पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ और उनके अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। धरना देने वाले खिलाड़ियों में टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेता बजरंग पूनिया, रियो ओलंपिक 2016 की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगाट और जितेंद्र कुमार भी शामिल रहे। महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर तानाशाही रवैया के साथ शारीरिक शोषण समेत खुद को आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। बात नहीं हुई, बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम्स हैं और बस इसीलिए देख सकते हो आप कितने सारे रेसलर्स हैं, कितने नामी रेसलर्स यहाँ बैठे अपनी ट्रेनिंग छोड़ करके। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोप को खारिज किया है और कहा कि मूल रूप से खिलाड़ियों की नाराजगी नियमों में बदलाव की वजह से है। सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने कि सांसद जी ने, बृजभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है, सामने होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब देखना होगा कि खिलाड़ियों के आरोपों और बृजभूषण सिंह के दावों के बीच कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।